एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यूपी स्टेट ने नोटिफिकेशन भेजकर ये बता दिया है कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन 21 जून 2019 से स्टार्ट होने वाली है और ये रजिस्ट्रेशन राउंड वन रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 24 जून 2019 शाम को 5 बजे तक की रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिनको भी यूपी स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है वो सभी स्टूडेंट्स यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upneet.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन 21 मार्च 2019 से करा सकते हैं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन अभी तक यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर पब्लिश नहीं की गई है। इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको यूपी की एक दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट www.updgme.in पर जाकर चेक करना होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन updgme.in पर अवेलेबल मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 21 जून 2019 से स्टार्ट हो जाएगा। यूपी स्टेट के बारे में कुछ बातें मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ। यूपी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम जाती है। लास्ट ईयर 2018 में सबसे कम गई थी, 168 मार्क्स गई थी TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज की। यूपी स्टेट की फीस थोड़ी ज़्यादा है और यूपी स्टेट की फीस को और ज़्यादा बनाने में इसके हॉस्टल जो इसकी मैंडेटरी है, हॉस्टल का बहुत बड़ा हाथ है। यूपी स्टेट में हॉस्टल मैंडेटरी है और हॉस्टल की फीस 3 लाख से स्टार्ट होकर 7 लाख पर एनम तक जाती है। तो ये वहाँ की हॉस्टल फीस है और वहाँ की हॉस्टल फीस स्टूडेंट्स को लेनी मैंडेटरी है, जो यूपी की फीस को थोड़ी ज़्यादा बना देती है, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख के आसपास पहुंच जाती पर एनम। सिक्योरिटी अमाउंट भी 5 लाख, 6 लाख से वैरी करके 16 लाख तक जाते हैं। 1 लाख, 2 लाख की भी सिक्योरिटी मनी अलग अलग कॉलेजेस में है, मगर यूपी स्टेट में जो कॉलेजेस हैं उनमें, यूपी स्टेट में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सीट्स, अच्छी खासी सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। तो यूपी स्टेट्स में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है, जिनके मार्क्स थोड़े से कम आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है कि उनका अगर बजट है तो यूपी स्टेट में वो काउंसलिंग को अटेंड करके एमबीबीएस या बीडीएस कोर्सेज के लिए सीट पा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस साल की और एक बात मैं आपको बता दूं, इस साल यूपी में 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं जिसमें टोटल 750 सीटें बढ़ाई गई हैं और इन 750 सीटों में 10% सीटें जो है वो EWS कोटा के लिए रिजर्व रखी गई है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। 21 जून 2019 का डेट आप सभी को याद रखना है, जब आप सभी को यूपी स्टेट की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। और 24 तारीख का डेट है, 24 तारीख से पहले पहले 24 तारीख का जो डेट है वो लास्ट डेट है राउंड वन की रजिस्ट्रेशन का। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको अगर फोन करना हो किसी भी इंक्वायरी के लिए, आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे या फिर वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो तीनों नंबर जो आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं वही तीनों नंबर करियर मीडिया की ऑफिशियल टेलीफोन नंबर है। आपको अगर बात करनी है तो उन्हीं नंबर्स पे आपको कॉल करके बात करनी होगी, या फिर अगर कभी आपको कॉल भी आती है तो वो भी उन्हीं तीनों नंबर से आएगी। उनके अलावा अगर किसी भी नंबर से आपको कॉल आती है तो वो करियर मीडिया की तरफ से वो कॉल नहीं होगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको करियर मीडिया के सर्विसेज से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सर्विसेज में सभी स्टूडेंट्स के साथ हम 1-to-1 कम्युनिकेशन में उन्हें कितने मार्क्स में कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स में उन्हें उनके चांसेस हैं सीट मिलने के, कौन कौन से स्टेट्स में चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस को फिल करना चाहिए, इन सभी डिटेल्स में उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और सारी डिटेल्स टिल द एंड ऑफ काउंसलिंग उन्हें उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन में लगे रहते हैं। तो